सभागार में व्यवस्थित मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे भाई और बहन, आप सब योगा में इंटरनेशनल योगा डे में जो योगा में शामिल हुए हैं, आप सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है, ये युवा शक्ति जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। कई देशों के युवकों ने अपना देश को बनाया, हम भी अपने भारत को बलशाली भारत बनाएंगे। इसलिए युवा योगा बहुत जरूरी है। योगा मेरा भाषण नहीं, मेरा एज होगा 80 ईयर, 80 साल की उम्र है, अभी भी योगा करता हूँ। सवेरे 4 बजे उठता हूँ, डेली 2-2.5 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, इसलिए मैं तंदुरुस्त है लड़ने के लिए, लड़ते रहता हूँ। एक दो लड़ाई देश के लिए बहुत जरूरी है, एक है रूरल डेवलपमेंट और दूसरा करप्शन को जो कॉर्पोरेशन लगा है देश में, ये कॉर्पोरेशन को रोकना, करप्शन का ये दो बातें हम किया तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। तंदुरुस्त भारत, वो काम हम लोग करना है। मैं जो करता अभी 80 साल की उम्र में वो योगा के कारण। मेरी विनती एक है, हम योगा करते हैं ना, योगा करते समय चारित्र को संभालना, चारित्र आचार शुद्ध रखना। योगा में यम नियम क्या कहते हैं हमें, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में दाग नहीं लगने देना कोई बुराई का, दाग नहीं होना। अगर दाग लग गया तो एयर कंडीशन में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। आज कईयों की हालत है, रहते एयर कंडीशन में नींद नहीं आती, बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं। इसलिए शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा त्याग, ये भारत की भूमि हमेशा त्याग सिखाते आई है, त्याग। अरे खेती में दाना से भरा उत्तर नजर आता है ना, ज्वार बाजरा मक्का, दाना से भरा उत्तर नजर आता है, तब नजर आता है। एक दाना को त्याग करना पड़ता है, एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भूटा नजर आता है। इसलिए हमें वो दाने की जरूरत है, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान करने की शक्ति, ये 5 बातें होना जरूरी है। ये मेरा भाषण नहीं है, मेरा उम्र हो गया 80 ईयर, 80 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं, इतना भी जीवन में इतना भी दाग नहीं। इसीलिए बड़े बड़े हस्ते के साथ लड़ता हूँ समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए। क्या है मेरे पास, मेरा धन नहीं, दौलत नहीं, मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, मेरे लाइफ में मेरे बैंक अकाउंट का किताब कहाँ रहता है मुझे पता नहीं, सिर्फ सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है बस।